press the bell icon on the YouTube app and never miss a... को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे भारत की जीत पे पाकिस्तानी कितने खुश हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। विराट कोहली ने आज बता दिया कि मैं कुछ चीज हूं। उनके मुंह से मैच खींच के लाए, मजा आ गया मैच देखने का। उन्होंने हर एक को उनकी कार्ड बता दिया क्रिकेट के लिहाज से। मैंने जैसे ही लाहौर बैन हुआ, पाकिस्तान बैन हुआ था, तो इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और इंडिया वर्ल्ड कप का, इंडिया कप भी उठा गया यार। इतनी लेवल की परफॉर्मेंस मैंने ये किसी टीम से नहीं देखी। आप क्यों नाच रहे हो? विराट कोहली ने कितनी अच्छी बैटिंग की, अपनी टीम को लेके गए हैं और वर्ल्ड कप। हाँ जी, डांस होना चाहिए भाई जान, आप खुशी मनाए। तो जीत गया पर बाबर के लिए मैं अंडे लाई हूँ, दिल का डर मुंह तोड़ के जवाब दू से क्या अंडे के लिए। सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारक हो यार, बहुत ही ज्यादा मुबारक हो भाई वर्ल्ड कप जीतने के लिए। भैया बहुत ज्यादा खुश हूं। और मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूं, क्रिकेट तो चलो खैर मैं काफी ज्यादा अरसे से देख रहा हूं, लेकिन जब से सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ क्रिकेट को लेके जुड़ा हूं, तो भाई मेरी दुआ यही थी कि भाई एक जो है वर्ल्ड कप हिंदुस्तान उठाए। क्योंकि भाई फिर हम कल रहे ना रहे, हमारे होते हुए और रोहित शर्मा के और विराट कोहली के होते हुए एक वर्ल्ड कप हिंदुस्तान उठाए, बस ये हमारी ख्वाहिश थी दोस्तों। और खुदा ने हमारी जो है दुआएं भी कबूल की, हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड कप जीत भी गया। क्या मैच जीते हो यार, बहुत बढ़िया। मैच के बीच में थोड़ा बहुत गुस्सा मुझे आया था, वो भी बताऊंगा कि गुस्सा किस बात को लेके आया था। काफी ज्यादा आज मैं थोड़ा बहुत जो है रोहित शर्मा के ऊपर पहली बार जिंदगी में मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैच दोबारा अपने हाथ में आ गया। इंडिया ने करके दिखा दिया, वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया ले गया। वाकई इंडिया ने बता दिया कि वर्ल्ड कप कैसे लेके जाते हैं। पापा पापा टी20 वर्ल्ड कप वाकई इंडिया ने लेके बता दिया, इंडिया ही इंडिया, बस खत्म हो गया इंडिया इंडिया। वलीद क्या कहेंगे, आज टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम कर ली है। एक भी मैच नहीं हारा इंडिया, एक भी इंडिया मैच नहीं हारा। इंडिया ने जो रोहित शर्मा अपनी कॉम से जो वादे करके आया था वो पूरे किए हैं भाई। हिस्ट्री याद रखेगी रोहित शर्मा की, वो मेहनत को याद रखेगी जो उसने कुर्बानी दी है। जो सेमीफाइनल के अंदर रोहित शर्मा रोया था उसका बदला साउथ अफ्रीका से लेने था भाई। साउथ अफ्रीका 10 बारियां ले लेती तो भी इंडिया को नहीं हरा सकती भाई। इंडिया से जितनी बड़ी टीम बनी हुई है इंडिया को कोई नहीं हरा सकता यार। इंडिया की बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर चीज बहुत जबरदस्त जा रही है यार। क्यों नहीं जश्न मना रहे हो यार तुम लोग? इंडिया ने प्रूव किया वो नंबर वन टीम है, नंबर वन बॉलिंग उनके पास है, नंबर वन बैटिंग इंडिया के पास है यार। इंडिया नंबर वन इस फॉर्म से निकला नहीं जा सकता, इंडिया ने जीतना ही था भाई। ये तकदीर में लिखा होता है कि इंडिया मैच जीतेगी। इंडिया तकदीर में लिखवा के आया था कि भाई मेरी ये ट्रॉफी है आपके सामने जीतो आ गया भाई। रोहित शर्मा जब 10 में से 10 की सीख नहीं लगा मेरी बात सुने, आज रोहित शर्मा ने इस तरह झटके ले बजवाया ऑस्ट्रेलिया के आगे, इंग्लैंड के आगे, हर टीम के आगे। मैं कहता हूँ अनबीटेबल, ऐसी सीख ऐसी पिच भी मिल जाए ना, हम कैसे प्लेन पिच भी मिल जाए, कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं जीत सकता इंडिया से। अगर इतनी प्लेन पिच भी मिल जाती ना अफ्रीका को, ये देखे फिर भी नहीं जीत सकते थे। बिल्कुल आज बैंड बज गया सारी टीमों का। आज इंडिया ने मुंह काला कर दिया, बता दिया टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कैसे लेके जाते हैं। और वाकई रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर आज इंडिया जीत गया, ये टाइटल इंडिया ने अपने नाम पे कर लिया। उसने बता दिया कि टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस तरह खींचते हैं। 2007 में खींची थी, आज इंडिया ने 2000
24 के अंदर यह ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। सारी टीमें ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, सालों को बाहर फेंका पकड़ के, पाकिस्तान को भी बाहर फेंक दिया। इंडिया ने जीत लिया ये T20 वर्ल्ड कप का टाइटल और वाकई ही इस टाइम T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी जॉइंट और सबसे लीथल टीम, सबसे लीथल बॉलिंग, सबसे लीथल बैटिंग सिर्फ इंडिया ने की है। यह साउथ अफ्रीका भी फिर से चौक कर रोहित ने पूरे एशिया को इतनी बड़ी खुशी दे दी है यार, डिजर्व करते हैं टीम इंडिया, ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी अनबीटेबल जीत लिया उन्होंने वर्ल्ड कप यार, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, ये होती है परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसे यार, सितरा क्या कहोगे यार? मेरी तरफ से सबसे पहले रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा मुबारकबाद, वो 17 साल बाद एक सपना पूरा हुआ उनका, और सपना भी ऐसा पूरा हुआ कि भाई क्या साउथ अफ्रीका, क्या बांग्लादेश, क्या अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या आयरलैंड, क्या बांग्लादेश, कितनी टीमें गिनवाई सबको गंदे तरीके से। सारा बादशाह क्रिकेट, अनबीटेबल क्रिकेट टीम, बीस्ट क्रिकेट टीम, जिस तरीके से रोहित खेला, जिसके आज सबसे पहले मैं विराट को अप्रिशिएट करूंगा, किंग कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन, 82 सेंचुरीज मारने वाला, छा गया दुनिया के। सर आप क्या कहेंगे? सर जिस तरह विराट कोहली ने इनिंग खेली है, देखे बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, आखिरी मैच के अंदर आकर आखिरी मैच के अंदर उसने वर्ल्ड कप उठा के ले गया, एक इनिंग हो और इस तरह की हो तो उसके लिए अप्रिशिएशन बनती है। सर सर आप क्या कहेंगे? सर आप क्या? सर भाई मैं कहता सलूट है विराट कोहली यार, जिस तरह का भाई उस बंदे को कहा जा रहा था कि विराट कोहली को फाइनल के लिए रखा हुआ, विराट कोहली ने 6 चौके 2 छक्के लगा के साबित कर दिया, और अक्षर पटेल जिस तरह भाई ओवरऑल जना वो टीम इंडिया को सलूट है, एशिया वाले जना वो प्राउड फील कर रहे हैं, रोहित शर्मा लव यू अगेन, आखिरी इकट्ठे सलूट मारना है, टीम इंडिया सलूट हो। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है भाई, रोहित शर्मा ने अपनी बादशाहत कायम कर दिया पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, उसने अपना टेरर जो है वो कायम कर दिया, हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि भाई कोई रोहित शर्मा आया था। ओडीआई वर्ल्ड कप में उसने जो है स्ट्रीक लगाई 10/10 की, किसने तोड़ दी, अगले T20 वर्ल्ड कप में उसने दोबारा स्ट्रीक लगाई और उसने दोबारा जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो अपने नाम किया और अपनी अपनी आवाम जो 140 करोड़ की आवाम है भाई, उसने जो है वो उसको खुशियां दी। आवाम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? रोहित शर्मा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है भाई, बादशाहत कायम कर दी, क्या कहेंगे भाई? दुनिया याद रखेगी इंडिया में एक लेजेंड पैदा हुआ था रोहित शर्मा, जिसके अंदर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता, अनबीटेबल स्ट्रीक लगा के और मारा कैसा, हर टीम को बुरी तरह कुत्तों की तरह मारा, यानी कि एंड में जाके जीते भाई 1 सेडेड गेम्स की, 7 में 7 स्ट्रीक, 8 में 8 स्ट्रीक, जो क्रिकेट दुनिया में बादशाहत। सर मैं कहता बादशाहत, किंग ऑफ क्रिकेट अगर कहें, बादशाह ऑफ क्रिकेट कहें, बीस्ट ऑफ क्रिकेट कहें, टीम इंडिया बन गई है भाई, 11 साल का दबा दूर गया, 2007 के बाद आई T20 वर्ल्ड कप जब उठाया टीम इंडिया ने, तो भाई मैं कहता हूँ एक अलग ही मरहला देखने में मिला, लाहौर हो चाहे दिल्ली हो, जो आज खुशी मिली है ना क्रिकेट फैंस को, ऐसी खुशी ना कभी देखी है ना कभी सुनी है। इंडिया ही देती है, ये पाकिस्तान को काफी टाइम हो गया दे ही नहीं रही है, इंडिया ने खुशी दी है जो पाकिस्तान में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, सारे डिजर्व करते हैं जैसी क्रिकेट वो खेल रहे हैं। विराट कोहली 7 मैचेस में नहीं चला, रोहित ने कहा हुक्म का यक्का फाइनल में चलेगा और चला, अक्षर पटेल बॉलिंग पूरे वर्ल्ड कप में वो टॉप क्लास कर रहा है, जॉस पटेल को बंदा पहले सेमीफाइनल में बॉलिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच चला रहा है, फाइनल में आगे बैटिंग तगड़ी करी जा रहा है। अगर बात करें उसके बाद भाई शिवम दुबे ने आज उतने सारे छक्का लगा दिया, उसने भी कसम तोड़ दी, तो भाई इंडिया की जो टीम है ना इस वक्त फुल ऑफ बैट्समैन, फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ जोश बनी हुई है, आप देखेंगे एक से एक बढ़ के आपको मिलेगा। रोहित शर्मा आज नहीं चला तो अक्षर ने कहा मैं चलूंगा, रोहित नहीं चला तो विराट ने कहा कोई बात नहीं आपका भाई खड़ा हुआ, विराट के मैटर बड़े होते हैं वहां, किंग कोहली खड़े होते हैं और आज किंग ने बताया बड़े मैच का बड़ा प्लेयर। बिल्कुल ऐसी है सर, आज ओपनिंग स्टैंड नहीं चल पाई, लेकिन ओपनिंग स्टैंड फ्लॉप होने के बावजूद भी मिडिल ऑर्डर ने कहा भाई हम हैं, घबराना नहीं है रोहित शर्मा, घबराना नहीं है भाई आपने, हम हैं, विराट कोहली परफॉर्म कर गया, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर गई, लोअर ऑर्डर परफॉर्म कर गई, अक्षर पटेल भाई पूरे टूर्नामेंट में मैच विनर रहा है, क्या कहेंगे सर? भाई इंडिया का एक मैच विनर नहीं है, इंडिया का हर प्लेयर मैच विनर है, रोहित मैन ऑफ द मैच रह गया, विराट कोहली आज, अक्षर पटेल, उसके बाद शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हरदीप सिंह, भाई मैं कहता हूं जो बॉलिंग में टेरर इंडिया ने मचाया है, बॉलिंग की बात कोई नहीं कर रहा, बॉलिंग की भी बात करो, जो पूरे वर्ल्ड कप में बुमराह की 4 की इकोनॉमी रही है, 18 की एवरेज रही है भाई, हरदीप सिंह टॉप विकेट टेकर्स में उस बंदे का नाम आ रहा है, ठीक है, आज जो इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है दुनिया याद रखेगी कि यार एशिया से एक टीम उठ के गई जिसने सेना कंट्रीज को मारा, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, इंग्लैंड को उन्होंने हराया, साउथ अफ्रीका को उन्होंने हरा दिया, शुक्र है न्यूजीलैंड रास्ते में नहीं आया, वरना न्यूजीलैंड का जो बनता दुनिया याद रखती भाई, 8/8 की स्ट्रीक मजाक नहीं है, साउथ अफ्रीका अनबीटेबल थी और फाइनल में कैसा 1 साइडेड हारी है साउथ अफ्रीका, फाइनल में भाई अपनी जान छुड़ा के गई। शुरू में जब रोहित आउट हुआ, उसके बाद ऋषभ पंत आउट हुआ, तो भाई उन्होंने तो ऐसे जश्न मनाना शुरू कर दिया साउथ अफ्रीका वालों ने कि हम जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं, क्या कहेंगे सर? सारी साइड पे आ जाएं प्लीज, सारी साइड पे आ जाएं, क्या कहेंगे? तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा पाकिस्तानी भी खुश नजर आए भारत की जीत पे, जैसे ही भारत जीता पाकिस्तानियों ने भी खुशी मनाना शुरू कर दिया, वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला मनाना, चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों को भी भारत की जीत में खुशी मनाने दीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर
चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।